हेलो हेलो जी, नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? वाह, ये मुझे देखकर बड़ा अच्छा लगा कि सुबह सुबह, जैसा कि मेरी फिल्मों में होता है, पहले दिन हाउसफुल नहीं होता है। वैसे भी आज यहाँ हाउसफुल नहीं दिख रहा है, लेकिन जो लोग हैं बड़े क्वालिटी ऑडियंस हैं, विच इज़ व्हाट आई एक्चुअली वांट। थैंक यू सो मच। ये अब हमारे साथ आपका शुभ नाम? मनिंदर सिंह। मनिंदर सिंह जी हैं, ये मेरे से सवाल जवाब करेंगे। तो मेरी एंकरिंग की आदत गई नहीं है अभी, इसीलिए मैं मनिंदर जी का आपको परिचय करा दूं। ये मनिंदर जी हैं। मनिंदर जी, लोगों को सलाम कीजिए। हेलो, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। मनिंदर जी बड़े टैलेंटेड एंकर हैं और इनके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना ही नहीं है, लेकिन आज आप लोग भी सुन लेंगे। ये थोड़े बहुत सवाल करेंगे, इसके बाद आप लोगों के अगर कोई सवाल हैं तो, अगर हैं तो फिर हम आपस में बात करेंगे, अगर सवाल नहीं है तो ज़बरदस्ती के सवाल पूछने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं पहले से ही बता रहा हूँ। तो इरशाद जी, चलिए आइए, वी स्टार्ट द सेशन नाउ। गुड मॉर्निंग मनिंदर जी, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया सर, आप आपने नाश्ता किया था आज? बिल्कुल जी। क्या पराठे खाए थे? जी बिल्कुल, आलू के पराठे। ये सब लोग आलू के पराठे क्यों खाते हैं सिर्फ पंजाब में, ये मेरा पहला सवाल है। पंजाबी रह नहीं सकते आलू के पराठे तो बिना। क्योंकि मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट सुनाता हूँ। कल मेरी फ्लाइट थी मुंबई से यहाँ 5:30 बजे सुबह, और ये फ्लाइट लैंड करनी थी 7:30 बजे, कल सुबह की बात कर रहा हूँ। और 7:30 बजे जब फ्लाइट लैंड कर रही है, तो फिर वो लैंड नहीं कर पाई, फिर से उड़ गई, क्योंकि यहाँ पे बहुत थंडर स्टॉर्म आया था कल सुबह, आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा। हाँ जी, जी। तो वो हम 1.5 घंटे ऊपर घूमते रहे, लैंड नहीं कर पाए, और बहुत ही ख़तरनाक, मुझे लगा कि ये शायद मेरी आखिरी फ्लाइट है। तो मैं अपने बच्चों को मैसेज कर रहा था कि जस्ट रिमेंबर योर फादर लव्स यू सो मच। सचमुच दिस इज अ ट्रू स्टोरी। इसके बाद फिर हम दिल्ली चले गए, वहाँ पे 2 घंटे हमने इंतज़ार किया बाहर एयर स्ट्रिप पे, फिर वापस आए, जब यहाँ धूप निकली तब फ्लाइट लैंड हुई और फिर हम नीचे उतरे हैं। मैं सुबह 5:30 बजे निकला था कि अभी फ्लाइट में नाश्ता नहीं करूँगा, चंडीगढ़ उतर के ही नाश्ता करूँगा मैं। लेकिन 10:30 बजे तक मैं 5 घंटे फ्लाइट में बैठा रहा बिना कुछ खाए पिए। फिर मैं नीचे उतरा, हमारे जो आयोजक लोग थे हमारे साथ, सांची जी थी, उन्होंने कहा चलिए चलिए अब होटल चल के वहीं खाएंगे। मैं क्या, नहीं, मैं जब यहाँ आया हूँ तो मुझे सिखा के भेजा गया है मुंबई से कि आप चंडीगढ़ उतरते ही वहाँ के बस अड्डे के पराठे ज़रूर खाना। मैंने कहा ठीक है। अब बस अड्डे गए तो बस अड्डा तो आपका बहुत ही फैंसी हो चुका है, ये बहुत पुरानी बात थी, और हम वहाँ पर पराठे ढूँढ रहे हैं, पराठे वाला कोई मिला नहीं। फिर किसी ने बताया कि ये जो सड़क पर जो बना रहे हैं यही पराठे वाले हैं। तो मैंने कल वो पराठे खाए हैं, तो मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग रोज़ सुबह पराठे क्यों खाते हैं जी। तो इस सवाल का जवाब मैंने ही दे दिया। मुझे लगता है मैं इसी तरह बातें करता रहूँगा तो इनको इनके काम की फीस मिलेगी नहीं। तो अब मैं आपको सुपुर्द करता हूँ, आप बताइए क्या सवाल है आपका पहला। सब तो पहला सर बहुत बहुत वेलकम टब रेट्स द शो LOC यानी कि लवर्स ऑफ सिनेमा के बिच म्यूजिक फैसटिवल सॉरी फिल्म फैसटिवल फिल्म एंड म्यूजिक फैसटिवल के बिच तुम आए हो, तुम्हें किमें लग रहा है? कैसा लग रहा है ये पूछ रहे हैं? अजी मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने आपको अभी पराठे के किस्से सुनाए, आपने सुने नहीं? बिल्कुल सुन लिया। जिसने पराठे खा लिए चंडीगढ़ के उसको और क्या चाहिए फिर। ठीक सर, बिहार का एक मुंडा जी जिन वक् वक् शहरों के होंगे हुए US जाके अपनी MBA की स्टडी शुरू की जी जी, बट बिच दे विच ड्रॉप आउट करके इंडिया वापस आए, अपना करियर चुनिया एक्टिंग नू। उदे तो फादर साहब भी नाराज सीगे, एक साइड तुहाडा प्यार सीगा एक्टिंग, दूसरी तरफ आपां कह लईए कि फादर साहब की नाराजगी सीगी। तुसीं इस नू किवें टैकल कीता, इस सिचुएशन नू हैंडल किवें कीता, ते अपना जिहड़ा सफर सीगा एक्टिंग दा उहनू जारी किवें रखिया? बहुत ही सिंपल, मैंने पापा को बताया ही नहीं। ये पुराना तरीका जो आज तक चल रहा है, आप पूछ सकते हैं किसी से कि अगर दिल की बात और जो जहन कहे उसकी बात करनी हो तो हम सब, हमारे इतने स्टूडेंट बताएंगे कि पापा को बताना बहुत ज़रूरी नहीं है वाले। यस, थैंक यू वेरी मच। और हो जाने के बाद अगर उसका रिजल्ट अच्छा निकला तो फिर पापा को दिखा भी देना है, बता भी देना है जी।
तो देखिए मेरे पिताजी पुलिस डिपार्टमेंट में थे, हम लोग मिडिल क्लास घराने के लोग थे जी। मुझे बाहर जाने का मौका मिला, MBA करने का मौका मिला, तो मेरे पिताजी भी सोच रहे थे ना कि भाई बाहर से कुछ पैसे कमा के लाएगा, अमेरिका गया है, अब वहाँ पे जाके ऐसी पढ़ाई कर रहा है जहाँ पैसे का कोई गारंटी नहीं है, तो अफसोस तो उनको हुआ ही होगा जी, जी, जी। तो जब उनको बाद में पता भी चला तो मतलब ग्रेजुएशन के बाद बता दिया मैंने कि ऐसा ऐसा मैंने ड्रामा स्कूल कंप्लीट कर लिया है जी। तो मतलब नाराज होने के बजाय वो निराश ज्यादा हुए जी। उन्होंने पूछा कि अच्छा इससे कौन सी नौकरी मिलेगी तुम्हें, मैंने कहा नौकरी का तो कोई पक्का है नहीं जी, जी। तो उनको अफसोस यही था कि आपने इतनी पढ़ाई की, 4 साल की, 2 साल MBA की, 4 साल थिएटर की, और इतनी पढ़ाई इतना खर्च करने के बाद भी नौकरी की गारंटी नहीं है, वो उस जमाने के एक मिडिल क्लास आदमी के लिए बहुत बड़ा आघात था। तो उनके लिए सबसे बड़ा दुख यही था कि ऐसी पढ़ाई की क्या क्या फायदा क्या, हाँ फायदा क्या जब कोई जॉब की गारंटी नहीं है जी। लेकिन बाद में उन्होंने भी अपना नज़रिया बदला कि क्या है कि कला की पढ़ाई, हुनर की पढ़ाई, आर्ट की पढ़ाई जो है ना वो ट्रेनिंग होती है, वो पढ़ाई नहीं होती जी, जी बिल्कुल। और वो ट्रेनिंग बाद में ही काम आती है, पहले काम नहीं आती जी। और उसकी नौकरी भी बहुत लोग कर सकते हैं, लेकिन वो जो कला आप अपने अंदर ढालते हैं उसका कोई मोल वैसे भी है नहीं जी। तो ये तो हम धीरे धीरे करके ही सीखते हैं जी। सर ये जो म्यूजिक एंड फिल्म फेस्टिवल हो रहा है जी, यदि तुसी की समझ हो कि महत्ता कह लेंगे, इंपॉर्टेंस की है स्टूडेंट लाइफ दे विच? यार मुझे क्या लगता है ना कि आर्ट का बहुत इम्पोर्टेंस है जी। आप किसी भी साइंस स्टूडेंट से पूछ लें कि एक थ्योरम समझने के लिए, एक जो आपको साइंस के जो भी जुमले हैं समझने के लिए, वहाँ भी कहानी की ज़रूरत पड़ती है जी बिल्कुल। सो व्हेन यू आर टॉट इन अ स्टोरी फॉर्म यू अडैप्ट इट मच मच बेटर जी। तो आर्ट जो है वो डायग्राम भी है, वो भी आर्ट है जी, है ना जी। आप कोई भी साइंस का कोई सब्जेक्ट उठा के, इंजीनियरिंग का कोई सब्जेक्ट उठा के देख लो, आपको एहसास होगा कि बिना कला के ज्ञान अर्जित करना बड़ा ही मुश्किल काम है जी, जी। तो विज्ञान को भी समझने के लिए कला की जरूरत होती है जी, बिल्कुल। तो इसीलिए कला इतना महत्वपूर्ण है, इतना इम्पोर्टेंट है, इतनी अहमियत रखता है। और धीरे धीरे मुझे ये भी लगता है कि आज का जो जनरेशन है, आज की जो पीढ़ी है, वो इनको वो बात पिछले जनरेशन के मुकाबले ज़्यादा समझ में आ गई है जी, जी। आई सिंसियरली फील दैट टुडेज जनरेशन इज मच मोर इवॉल्व दैन ऑल द लास्ट जनरेशन टुगेदर। और जो क्लैरिटी आज की पीढ़ी में है, वो क्लैरिटी हमारी पीढ़ी में नहीं थी जी, जी। तो ये अच्छी बात है कि मतलब जो आर्ट है, जो कला है, उसके इम्पोर्टेंस को शुरू से जान लेना ये बहुत ही कमाल की चीज़ है जी। सर जैसे जिदा तुम गल की यंगस्टर्स की, अजकल यंगस्टर्स इस लाइन के आ रहे हैं, बट उन्होंने को सबर घट है, सबर घट है, वो काली है उन्होंने को सू फेम मिल जाए जल्दी, बट वो हार भी जल्दी मान लेंगे, हार्डवर्क करते हैं बट जल्दी हार मान लेंगे, स्टैप बैक कर लेंगे, कुछ अपने आप को नुकसान भी पहुँचा लेंगे जो उन्होंने कह लिए कि सक्सेस नहीं मिलती। उन्होंने तुम की एडवाइस देना चाहोगे कि किस तरह अपने आप पर कंट्रोल रखना? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि जिन लोगों की बात आपने की ना जी, कि उनको फेम जल्दी चाहिए होता है, उनको सक्सेस जल्दी चाहिए होता है जी, वो सिर्फ आज की पीढ़ी की बात नहीं है। तो हम आज की पीढ़ी को नहीं ब्लेम कर सकते कि वो हर पीढ़ी में ऐसे लोग होते थे जिनको क्विक सक्सेस चाहिए होता है, जिनको जल्दी से पैसे चाहिए, जल्दी से शोहरत चाहिए, सारा कुछ जल्दी से होना चाहिए। पहले के ज़माने में इंस्टाग्राम और स्नैपचैट नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मतलब इस तरह की बातें नहीं थी, वो हर पीढ़ी में, हर जनरेशन में होती है। लेकिन विद इन दैट देर आर पीपल हु वुड अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोसेस जी। वो जो प्रोसेस की महत्ता जो है, उसकी जो अहमियत है, मुझे लगता है कि आज के जनरेशन को सबसे ज़्यादा समझ है उसकी जी। और इसीलिए आज आप देखेंगे कि जितने अच्छे आर्टिस्ट हैं, जितने कमाल के टॉप के आर्टिस्ट हैं, वो बहुत ही कम उम्र के हैं जी, जी। क्योंकि वो इस जनरेशन के हैं, और इस जनरेशन में जो क्लैरिटी है किसी भी चीज़ को हासिल करने की, वो पिछले कई जनरेशन में इतनी क्लैरिटी कभी नहीं रही जी, ये मेरा मानना है। एंड आई होप कि क्लैरिटी इधर भी है आप लोगों में, है ना।
हाँ देखिए सब में जी बिल्कुल बिल्कुल सर, जैसे आपने स्ट्रगल भी बात की है, स्ट्रगल दे अपा गल करिए दिना दी, तो बहुत सारिया स्टोरीज असी सुनिया स्ट्रगल दिया डिफरेंट डिफरेंट एक्टर्स दिया। कुछ कहते हैं कि सानू फुटपाथ पर सोना पिया, वड़ा पाव खा के गुजारा करना पिया, कई बार रोटी के पैसे भी नहीं होंगे सके, बड़ा मुश्किल गुजारा होंगे। अगर ताड़ी स्ट्रगल की गल करिए, स्ट्रगल जी ताड़ी रही आ किस तरह की सी? यार देखो, मैं वो जितनी स्ट्रगल की बातें आप कर रहे हैं वो सही भी हैं, लेकिन वो भी कहानियां हैं। आप ये मत भूलिए कि वो अगर कोई कह रहे कोई फुटपाथ पे सोया था, हो सकता है कि सारी रात पार्टी करके आए हो और घर और घर की चाबी कहीं गुम हो गई हो, तो आज तो मतलब स्टेशन पे ही सोना पड़ गया जी। लेकिन उनको स्टेशन पे सोते वक्त भी शायद इस बात का ख्याल था कि आज से 25 साल के बाद इस कहानी को मैं दूसरे ढंग से सुनाऊंगा कि भाई मैंने इतना स्ट्रगल किया है कि मैं तो एक रात फुटपाथ पे भी सोया था जी। अब आप देख रहे हैं इस कहानी में कितना सोज है ना जी, कितना पेन है, कितना ड्रामा है, कितना अट्रैक्शन है, बोलते ही कितने लोगों का दिल धड़कने लगता है और आपके लिए अफसोस जाहिर करने लग जाता है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि हर कहानी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो झूठ कह रहे हैं जी, लेकिन हर कहानी अगर आप एक उद्देश्य से सुनाते हैं ना जी, जी तो उस कहानी का मतलब निकलता है। अगर मैं आपको कहूँ कि अच्छा मैं आपको बताता हूँ मेरा स्ट्रगल, क्या मतलब फर्क पड़ता है यार? स्ट्रगल तो कितने लोगों को रोटी खाने में स्ट्रगल होती है ना सुबह सुबह जी। हाँ अरे यार मन नहीं कर रहा है, फिर भी मम्मी कह रही है खाना ही है, बिना खाए बाहर नहीं निकल सकते जी, जी, वो भी स्ट्रगल है। ठीक है, मतलब परसों एग्जाम है और मतलब ठीक से समझ में नहीं आ रहा है लेसन जी, जो आपने मतलब पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी आपको नींद आ जाती है पढ़ते पढ़ते, ऐसे 3-3 बजे तक स्नैपचैट चलता रहता है, एग्जाम वाली रात को सबसे पहले नींद आती है, तो वो भी स्ट्रगल है, बहुत बड़ा स्ट्रगल है। बल्कि मेरा कहना है कि वो सबसे गंदा स्ट्रगल है और ये लोग रोज करते हैं ऐसा स्ट्रगल जी, जी। तो कंपैशन तो हर स्ट्रगल के लिए होना चाहिए ना जी, है ना? सारे स्ट्रगल को मतलब पिक्चर बना के बेचने की जरूरत नहीं है, कुछ स्ट्रगल समझने की भी जरूरत जी, जी, जी। तो मेरे कहने का मतलब कि मेरे स्ट्रगल में ऐसी कोई कहानी नहीं है कि जिसको मतलब मैं भी बना के सुना सकता हूं, लेकिन बात वो इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि किसी भी चीज़ को करने में स्ट्रगल होगी, मतलब स्टार बनने में, नहीं बनने में, सिंगर बनने में, आर्टिस्ट बनने में, लेखक बनने में, डॉक्टर बनने में, इंजीनियर बनने में, लुक्खा बनने में, सब में स्ट्रगल है जी। और स्ट्रगल होके अगर आप गुजर के कुछ चीज़ हासिल करते हैं तो उसकी मिठास अलग होती जी। सर जिस तरह तुसी बहुत सारिया मूवीज़ दे विच बहुत छोटे बड़े किरदार निभाए ने जिन्होंने लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिता है, कभी इस तरह होया कि कोई किरदार तुहाडे उत्ते हावी हो गया वे, तुसी किरदार परफॉर्म किया बट वो तुहाडे नाल ही तुहाडे घर चला गया, तुहाडे उत्ते प्रेशर बनिया उस किरदार तो बाहर निकलन दा? यार इस बारे में भी बहुत बातें हुई हैं कि एक एक्टर उस किरदार में ऐसा घुसा कि वहाँ से निकल ही नहीं पाया जी। तो मैं क्या करता हूँ ना कि जब कोई काम ख़त्म हो जाता है तो मैं 2-3 दिन बहुत अच्छी तरह नहाता हूँ जी, सारे मैल उतार लेता हूँ जी, ठीक है ना? इसके बाद वो किरदार समझ में नहीं आता है क्योंकि वो किरदार धुल के नाली में कहीं चला गया। फिर जी ये किरदार आपके ऊपर हावी हो गया है ये कहना मतलब थोड़ा आर्टिफिशियल क्यों लगता है ये मैं बताता हूँ जी। ये मेथड एक्टिंग की बात है जिसको स्टैनिस्लावस्की साहब जो मॉस्को के थे, रशिया के थे, उन्होंने उसकी शुरुआत की थी, फिर कुछ अमरीकन लोगों ने जाके वो टेक्निक सीख कर आए थे, फिर उन्होंने अमरीका में वो सिखाना शुरू कर दिया जी। तो अमेरिका में इतने अच्छे बनिए लोग हैं कि हर चीज़ को बेचने के लिए मतलब महारत हासिल है जी, जी। अभी लोग स्टैनिस्लावस्की के मेथड एक्टिंग की बात करते हैं तो लगता है कि ये अमेरिकन टेक्निक है, अमेरिकन टेक्निक नहीं है, अमेरिका का सिर्फ मैकडोनल्ड्स ही है बस तो वो क्या है कि वो प्रोसेस है एक कहानी समझने का जी। वो एक्टर के लिए वो एक टेक्निक है कि कैसे आप अपना काम करते हैं, एक जो म्यूजिशियन होता है उसके लिए टेक्निक है कि हम कैसे एक नई धुन का इजाद करें जी, है ना? एक लेखक के पास हर लेखक की अलग अलग टेक्निक है जी। कोई लेखक मैंने ऐसे भी सुना है कि वो बहुत सबसे आलसी लेखक है लेकिन जब लिखना होता है वो सुबह 4 बजे उठ के वो कहता है 4 से 7 के बीच में मैं लिख लेता हूँ, ठीक है ना? तो ये सब उनकी टेक्निक है, सबकी अलग अलग टेक्निक है। अब उस टेक्निक को जब आप ओढ़ते हैं, उसको उसका अनुसरण करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, तो उसको अनफॉलो करना भी आपके ऊपर ही है जी, जी। ये कह देना कि अरे यार मैं 4 बजे से 7 बजे तक लिखता था, एक फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी,
अब देखो मैं रोज सुबह 4 बजे उठता हूँ क्योंकि मेरी आदत बदल गई, तो अच्छी बात है, ठीक है ना, आप एडजस्ट करो फिर जी। अगर कोई किरदार आपको छोड़ के नहीं जा रहा है तो आप उसको छोड़ के चले जाओ जी, है ना। नहीं अगर वो वही है, इट्स अ चॉइस यू मेक, यू नो, इट्स योर इंडिविजुअल चॉइस जी, कि आप नहीं छोड़ के जाना चाहते उस किरदार को जी जी, ऐसी जगहों पे कहानियां सुनाने के लिए, ठीक है ना। ये आपके ऊपर है कि आप अपनी कला का कितना सम्मान करते हैं जी, उसका कितना आदर करते हैं, उसकी कितनी सेवा करते हैं जी, उसका उसके कितने नखरे उठाते हैं अपनी कला के, है ना। वो होता ना कि एक कह रहा है राइटर की, यार मुझे राइटर्स ब्लॉक आया हुआ भाई, मैं ये अगले एक हफ्ते नहीं लिख सकता जी, अगर कुछ लिखवाना है तो मुझे श्रीनगर भेजो, मैं वहाँ पे वादियों को देखते हुए शायद कुछ लिख दूँ जी। तो ये सब टेक्निक है जी, ठीक है ना, वो कलाकार का मतलब है उसका इंटेलिजेंस है जी, उसका कला से कुछ लेना देना नहीं है जी, वो एक इंडिविजुअल क्राफ्ट है, आप अपने इंडिविजुअल क्राफ्ट को कैसे होन करते हैं, कैसे संवारते हैं, ये आपके ऊपर है। सर कभी इदा होया कि तुहानू कोई पर्सनल इशू है, पर्सनल प्रॉब्लम हर बंदे की लाइफ से चल दी रहिंदियां ने, तुसी सेट ते हो, डायरेक्टर की कॉल है कि तुसी टेक देना है, शॉट देना है, शॉट दिंदे हो, तुसी करैक्टर प्ले करदे हो, बट वो प्रॉब्लम होने के नाल नाल वो करैक्टर की स्किन दे विच जाना कितना कहिए चैलेंजिंग होंदा है। देखिए एक पुलिस ऑफिसर है, उसकी बीवी से लड़ाई हुई है सुबह सुबह क्योंकि नाश्ते में उसको पराठे नहीं मिले, ठीक है ना। वो थाने जाता है, पता चलता है कि ये बैंक में डकैती हो रही है, तो वो क्या बोलेगा कि अरे यार मैं तो सुबह नाश्ते नहीं किए, मैं डकैत को कैसे रोकूंगा, है ना जी। ये आप वही बात हो गई ना कि पर्सनल प्रॉब्लम आ गई तो इसके लिए आपने अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा के फेंक दी, ऐसा होता नहीं है जी। अगर आप अपनी काम से मोहब्बत करते हैं जी, अगर अपनी आप विधा से मोहब्बत करते हैं, जो आप कर रहे हैं, जो लिख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, या अगर आप डॉक्टर हैं, अगर आपको अपने प्रोफेशन से लगाव है तो ये सब प्रॉब्लम्स नहीं आती कभी जी। सर जिदा तुम इस फेस्टिवल दे विच आए हो, मूवीज चल रही हैं बहुत सारिया, देख रहे हो, इन्नी ऑडियंस है साड़ी, तुहानू कुछ इतों सीखन नू मिलेगा, तुसी कुछ सीखोगे इतों? मैं कल से आया हूँ, मैं कल से कितना सीख रहा हूँ यार जी, मैं बता रहा हूँ, मैं इतने लोगों से मिला, यंग लोगों से मिला, फिर हमारे जो ऑर्गेनाइज़र साहब हैं उन्होंने इतना अच्छा मंच तैयार किया था कल, कल पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बड़े बड़े दिग्गज लोगों से मिला जी। हमारे कुछ पुराने दोस्त थे उन लोगों से मिला, तो मैंने आपसे सीखा, अभी हम लोग बैठ के बातें कर रहे थे, तो सीखने को तो रोज़ मिलता है यार जी। पंजाबी मूवीज़ देखते हो सर तुम? हाँ जी, मैंने पहली पंजाबी फिल्म कौन सी देखी थी मैं बताऊँ जी, मेरे जीवन की पहली पंजाबी फिल्म थी चन्न परदेसी। चन्न परदेसी, और चन्न परदेसी देखने के बाद, मतलब लक की बात है, बस मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, उसके देखने के कुछ 6 महीने बाद मैं एक जगह ऑडिशन के लिए गया और ऑडिशन में मुझे उस सीरीज़ का लीड रोल मिला, मेरा पहला काम था वो, लीड रोल मिला, मैं बहुत खुश हो गया कि यार लीड रोल मिल रहा है, लीड रोल मिल रहा है। अरे नहीं नहीं नहीं, ताली के बाद ये नहीं है, अभी रुक जाओ। बड़े बेसब्र हो यार तुम। तो लीड रोल मिला, फिर मैं डायरेक्टर से मिलने गया, उसके डायरेक्टर थे सागर सरहदी साहब, सागर सरहदी का नाम सुना होगा आपने, बहुत बड़े लेखक, उर्दू के बहुत बड़े लेखक, वो सरहद के रहने वाले थे, और उन्होंने एक फिल्म बनाई थी बाजार 80 के दशक में, तो मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन था, और वो इतने बड़े लेखक थे, उन्होंने बड़ी बड़ी फिल्मों के डायलॉग लिखे थे, यश चोपड़ा की सारी फिल्मों के डायलॉग लिखे थे, वो डायरेक्टर बन गए थे, तो मुझे पता चला कि ये तो डायरेक्ट कर रहे हैं, मैं तो और भी खुश हो गया। फिर मैं उनके प्रोड्यूसर से मिला, उनके प्रोड्यूसर थे गिरजा शंकर जी, तो मैं तो देख के अवाक रह गया क्योंकि वो तो चन्न परदेसी में एक्टर थे। मैंने कहा अरे सर ये तो मेरा बड़ा सौभाग्य है जी। बोले कि सौभाग्य तो तुम्हारा क्या है, तुम्हें पता ही नहीं है विनय, तुम्हारे जो को एक्टर है ना सीरीज में, तुम लीड का रोल कर रहे हो, तुम्हारे जो पैरेलल लीड हैं वो पता है कौन है? मैंने कहा नहीं जी, कि वो ओमपुरी साहब है। वाओ, मैं तो मतलब गिर गया कुर्सी से, मैं क्या मतलब वो भी चन्न परदेसी? मैंने कहा ये सर चन्न परदेसी वालों के लिए ऑडिशन हो रही थी क्या? मैं भी तो मैंने पिक्चर देखी थी कुछ 2-3 महीने पहले, मैं बहुत ही खुश था, और शिमला में इसकी शूटिंग शुरू हुई और पहली बार मैंने ओमपुरी साहब के दीदार किए, तो मैं तो बस उनको देख ही रहा था, वो अपना काम किए जा रहे हैं, फिर लोगों ने परिचय कराया ये नया लौंडा आया है, तो वो सागर सरदी साहब वो दोस्त थे, वो उनका मजाक उड़ाते हैं, किसको उठा के लाए हैं आप, ये तो कहने को बिहारी है, ये अमेरिकन एक्सेंट में बोलता है, लेकिन बहुत प्यार से उन्होंने
इसके बाद जो हमारी दोस्ती तब हुई ओमपुरी साहब के साथ कि अरे तू वेजिटेरियन है, अरे कैसा एक्टर है, अच्छा तू शराब नहीं पीता, कैसा एक्टर है मतलब वो रोज हमें कहते थे तेरा ज़्यादा चलने वाला है नहीं बट प्यार बहुत करते थे। और वापस आके मुंबई में मुझे हर हफ्ते में एक बार फ़ोन करेंगे, क्या कर रहा है तू, आज आलू बैंगन बना रहा हूँ मैं, तू घर आ जा जी। और इतनी मोहब्बत उनकी जो थी, मुझे धीरे धीरे पता चला इज लार्ज हार्टेडनेस वॉज बिकॉज वो कहते हैं ना कि पंजाब के लोगों का दिल बहुत बड़ा होता है, तो ही वॉज द बिगेस्ट हार्टेड पंजाबी आई हैड एवर मेट एंड एक्सपीरियंस एंड गॉड रेस्ट हिज सोल इन पीस। तो ये था मेरा पहला अनुभव। तो आप बताइए जिसका पहला अनुभव ऐसा हो जी, फिर तो क्या उसके लिए बाकी सारे अनुभव ऐसे हैं बस। तो ओमपुरी जी ना तुम्हें दस्या मुलाकात हुई, उन्होंने ना तुम काम किया, तो लर्निंग प्रोसेस की गल करिए ओमपुरी जी तो तुम बस उनके साथ ही लर्निंग होगी जी जी। उन्होंने बताया देख बेटा पैग ऐसे बनाते हैं नो बट जोक्स अपार्ट बहुत सीखा मैंने उनसे जी। और सबसे बड़ी बात सीखी मैंने उनसे, सबसे बड़ी बात जी कि ठीक है क्राफ्ट ठीक है तुम्हारा, तुम 4 साल पढ़ाई करके आए हो वहाँ से, वो भी ठीक है तुम्हारा, और तुम्हें कैरेक्टर को समझने की तमीज़ है, तुम्हें कहानी पढ़ने की तमीज़ है, कहानी बताने की तमीज़ है, कहानी सुनाने की तमीज़ है, ये सब अच्छी बातें हैं जी। अब तुम्हें एक्सपीरियंस चाहिए, तुम्हें सीखना बस एक चीज़ है कि अच्छा इंसान बनने की तमीज़ है कि नहीं तुम्हें जी, जी। और वो बहुत बड़ी बात उन्होंने कह मतलब हमें सिखाई भी कि ये मत भूलना कि आप कितने भी बड़े कलाकार हो जाएं, कितने भी होनहार हों आप, अगर आप बदतमीज इंसान हैं तो आपकी कला थोड़ी सी छोटी हो जाती है, और अगर आप साधारण से टैलेंट के इंसान हैं लेकिन अगर आप उदार दिल के हैं, अगर आप काइंड हैं, काइंड हार्टेड हैं, कंपैशनेट हैं, अपने से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं, तो आपकी कला भी उभर कर आती है सामने, ये सीखा मैंने उनसे जी। सर जिद्दा तुसी उन्हें रूम में गल कर रहे थे कि तुहानू खड़े हुए लोग चंगे नहीं लगते जी, क्यों रीज़न? फिर भी देखिए दो लोग खड़े घूम रहे सर आप बैठ के भी ले सकते हैं, ऐसी बातें नहीं, वो मेरे पे फोकस कर रहे हैं जी, आगे बोलिए। ओ दसो सर रीज़न। नहीं ये मतलब यही है कि क्या होता है ना कि हमारे यहाँ कई बार ऐसा होता है कि ये कुछ लोग आदर से भी करते हैं कि भाई मैं आपका आदर करता हूँ, आप आए तो मैं खड़ा हो गया जी, ये अच्छी बात है, सम्मान की बात है, लेकिन इसके बाद ये आपका भी तो दायित्व तो बनता है कि भाई हाँ ठीक है आपने आदर दे दिया, अब आप भी बैठ जाओ यार, ठीक है ना। अगर मैं ये भूल जाऊँ कि वो सम्मान के लिए खड़े हुए हैं और मैं सम्मान लेते जा रहा हूँ तो उनका सारा सम्मान लेकर मैं खड़ जाऊँगा, ऐसा थोड़ी है, ठीक है ना। तो सम्मान देने से ही सम्मान मिलता है ऐसा कह जी। वाह देखिए लोग मतलब सुन रहे हैं जी। कुछ लोग जमाइयाँ ले रहे हैं पीछे लेकिन बात सुन जरूर रहे हैं हमारी, अच्छी बात है, जमाइयाँ लेना ठीक है, ठीक है। नहीं नहीं मैडम जी इट्स ओके, आ जल्दी आकर, इट्स ओके टू यॉन यार ऑफ कोर्स। सर अगर साउथ इंडियन सिनेमा की गल करिए बड़ा अच्छा कंटेंट दे रहा हो, लोग बड़ा पसंद भी कर रहे हैं जी, तो बॉलीवुड के अगर गल करिए कि साढ़े को राइटर्स नहीं है या फिर राइटर्स को मौका नहीं मिल रहा अगर? ऐसा नहीं है यार, राइटर्स हैं जी। और आप तो ये बहुत ही गलत एक्टर से सवाल कर रहे हैं सर, मैं तो हमेशा छोटी फिल्में ही करता हूँ, मुझे बड़ी फिल्में करनी आती नहीं बट जोक्स अपार्ट हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स हैं जी। लेकिन इसके अलावा आपको ये समझना चाहिए कि एक बाजार भी है जी, ठीक है ना। और ये जो कला है ना फिल्म मेकिंग, ये सबसे महंगी कला है जी, सबसे महंगी, मतलब लिखने के उतने पैसे नहीं लगते हैं और गाने के उतने पैसे नहीं लगते हैं जितने फिल्म बनाने के पैसे बनाने। तो अगर फिल्मों में कोई इतने ज़्यादा पैसे लगा रहा है और इतनी लागत लगा के अगर उसका रिटर्न नहीं आ रहा है तो वो लॉस में कितनी पिक्चरें बनाएगा भाई वो जी जी बिल्कुल है ना जी, लॉस में तो पिक्चरें बननी चाहिए ना जी। मैं बताता हूँ मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसी बात, आप जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज देख लेना जी, उनके यहाँ का जो सिस्टम है, उनकी जो सरकार है, वो कहती है कि चलो ये पिक्चर चले ना चले ऐसी कहानी बननी चाहिए, बननी चाहिए है ना, कि ये किताब बिके ना बिके लेकिन प्रेमचंद की कहानी छपनी जरूर चाहिए क्योंकि वो जरूरी है, जरूरी है हमारे समाज के लिए, जरूरी है हमारे स्टूडेंट्स के लिए, जरूरी है। तो बेस्ट सेलर तो छपी जाती है क्योंकि वो बिक रही है जी, लेकिन जो बेस्ट सेलर नहीं है, जो साहित्य है, जो गाढ़ा साहित्य है, जो शायद उतना प्रचलित पॉपुलर नहीं है जी,
उसको छपना तो चाहिए ना जी, बिल्कुल। तो जब वो बिकना बंद हो जाएगा तो कौन छापेगा उसे? तो उसके लिए सरकार पाठ्यक्रम निकालती है, कोर्सेज ऑफ स्टडीज। तो ये कोर्स की जितनी किताबें हैं वो कौन खरीदता है? सिर्फ स्टूडेंट्स खरीदते हैं, क्योंकि ये विधा ऐसी है जिससे कम से कम वो जो साहित्य है वो मर ना जाए, वो जिंदा रहे जी। तो ये एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूं कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो अपने सिनेमा को भी ऐसे ही जिंदा रखे हैं कि जो सिनेमा शायद जो पॉपुलर नहीं है, शायद जो मार्वल कॉमिक्स नहीं है, शायद जो बिकने वाली सॉन्ग एंड डांस सिनेमा नहीं है जी। लेकिन वो जो सब्सटेंस वाली मीनिंगफुल सिनेमा है, स्टोरी वाली सिनेमा है, वो उसको बननी तो चाहिए ना जी, जी। तो उसको कहीं से उसके लिए मदद की जरूरत है। आप लोगों में से कितने लोगों ने अंधे घोड़े का दान देखी है? एक, दो, तीन। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? आई जस्ट प्रूव्ड माई पॉइंट कि अंधे घोड़े का दान वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स आई हैव सीन, एंड इट इज नॉट बिकॉज इट्स अ पंजाबी फिल्म, इट्स अ ब्यूटिफुल फिल्म, इट्स पार्ट ऑफ पंजाबी लिटरेचर, दैट्स हाउ वंडरफुल द फिल्म इज। लेकिन वो फिल्म कब बनी? और बहुत पुरानी नहीं है, अभी हाल की है। गुरिंदर बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, बहुत अच्छा फिल्म मेकर है। लेकिन वो फिल्म अगर कमर्शियल मार्केट में नहीं बिकने की बात पे अगर वैसी फिल्में बननी बंद हो जाएं तो हमारा साहित्य बंद हो जाएगा जी, है ना जी, जी। आपके पास अभी जाके पॉपुलर हुए हैं हाँ जी। जब पास जिंदा थे तो उनकी किताबें बिकती नहीं थी, लेकिन उन्होंने लिखना बंद नहीं किया जी, जी। तो कहने का मतलब यही है कि इसीलिए इस तरह के जो उत्सव होते हैं, फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं, ये बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ एक समाज के लिए बल्कि यूनिवर्सिटी के लिए, हमारे यंग ऑडियंस के लिए, कि उनको पता चले कि अरे ऐसी फिल्में भी बनती हैं हमारे यहाँ। हम तो सोचते हैं कि सिर्फ जर्मनी में और यूरोप में ऐसी फिल्में बनती हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे, जो आपको कहे कि अरे ये तो मतलब साहित्य है जी। तो वैसी फिल्में हमारे यहाँ भी बनती हैं, आप तक नहीं पहुंचती है क्योंकि बीच में बाजार आ जाता है। तो उस बाजार और आपके बीच की दूरी को पाटने के लिए एक सिस्टम का होना जरूरी है। वो सिस्टम जो आपके पास पैसे नहीं है तो कम से कम इतना पैसे दे कि आप अपनी फिल्म बना सके। एनएफडीसी जैसी संस्थाएं उसी मुहिम का एक हिस्सा थी जी। समझ रहे हैं आप जी। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि वैसी फिल्में बननी चाहिए, वैसा साहित्य लिखा जाना चाहिए जी। जो फाइन आर्ट है वो कमर्शियल आर्ट के मुकाबले बंद नहीं होना चाहिए जी। जी ये कह रहा हूँ जी। सर जिदा तुसी बहुत सारे किरदार किए ने, लोग बड़े प्यार देंगे ने, लगभग हर तरह का किरदार तुसी निभा चुके हो, कोई ड्रीम करैक्टर जो ताडे मन विच है? बस यही ड्रीम है मेरा कि ये जो इस जिस साहित्य की बात कर रहा हूँ ना मैं, ये करना, वो साहित्य पनपता रहे, वो साहित्य मर ना जाए, वो साहित्य जिंदा रहे जी। चाहे वो पंजाब का साहित्य हो या वो बिहार का साहित्य हो या वो केरला का साहित्य हो, वैसी फिल्में जो अमूमन नहीं बनती जी। देखो बाहुबली बनाने के लिए 15 इन्वेस्टर मिल जाएंगे जी, लेकिन अंधे घोड़े का दान बनाने के लिए एक भी इन्वेस्टर नहीं मिलेगा। उसके फिल्म मेकर को बहुत हुज्जत करनी पड़ी, बहुत मशक्कत करनी पड़ी कि वो किसी तरह से वो फिल्म बना सके। इसके बाद फिल्म देश विदेश में घूम के कई अवार्ड्स कमा रही है, वो और बात है जी। लेकिन वो फेस्टिवल्स में ही जा रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये फेस्टिवल्स होना, इस तरह की फेस्टिवल का होना बहुत जरूरी है। थैंक्स टू राजेश शर्मा, थैंक यू राजेश शर्मा जी। नहीं मैं सचमुच बहुत मतलब आपने छोटी जगहों पे चंडीगढ़ और देहरादून, नहीं तो मतलब फेस्टिवल तो बड़ी बड़ी जगहों पे, बर्लिन में होता है जी, वो वेनिस में होता है, मुंबई में होता है, गोवा में होता है, ये बड़े बड़े फेस्टिवल्स हैं। लेकिन छोटी जगहों के लोग क्या लोग नहीं हैं? वहाँ के लोग क्या साहित्य नहीं पढ़ते हैं? मैं छोटे शहर का हूँ सर, मैं मतलब अखबारों में पढ़ता था ना कि दिल्ली में फिल्म महोत्सव हो रहे हैं, वहाँ पे वो नाटक हो रहा है, मुंबई में अमजद खान साहब ने पृथ्वी में इस नाटक का मंचन किया, इसका समाचार पढ़ता था और मुझे अफसोस होता था कि अरे यार मैं छोटे जगह पैदा हुआ हूँ, अगर मैं भी मुंबई या दिल्ली में पैदा होता तो कम से कम मैं पैसे बचा के जाके टिकट खरीद के देख तो सकता था। मुझे पहले नहीं पता था कि वो आम टिकट है। पृथ्वी में, पृथ्वी थिएटर में अभी भी कोई भी जाके, क्योंकि उसके टिकट का प्राइस ज़्यादा नहीं है, उन्होंने जानबूझ के ये रखा हुआ है कि हमारा आर्ट जो है, हमारी कला, हमारा हुनर जिंदा रहे, इसके लिए हम सबको मिलके कुछ करना पड़ेगा। उसके लिए हम सब चीज़ अगर मार्केट पर छोड़ देंगे तो सिर्फ मार्केट ही रह जाएगा फिर, है ना। तो थैंक यू वेरी मच, इनके लिए ज़ोरदार तालियां राजेश शर्मा कि देहरादून और कुरुक्षेत्र और चंडीगढ़ और हिसार जैसे जगहों पे आपने
फेस्टिवल को जिंदा रखा, वहाँ के यंग लोगों को अच्छी फिल्में देखने का मौका मिला, वरना कहाँ देखेगी ये फिल्में हमारी पब्लिक? क्योंकि हम ये तो नहीं सोच सकते ना कि छोटी जगहों के लोगों का इंटेलेक्ट नहीं है या उनका इंटेलिजेंस नहीं है या उनकी समझ नहीं है, बल्कि आप देखेंगे कि जितने फिल्म मेकरों की बात मैं कर रहा हूँ ये सब छोटी जगहों से ही आए हैं। तो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई हैव कम एंड बिकम अ पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल फेस्टिवल एंड हैव गॉटन एन अपॉर्चुनिटी टू मीट सच ब्यूटिफुल यंग टैलेंटेड पीपल। अ बिग हैंड टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। और लगता है कि अब हमारे समाचार समाप्त होने वाले हैं जल्दी। ऑडियंस देखो सवाल। हाँ, तो आप लोग भी अगर अगर हैं सवाल तो जबरदस्ती के सवाल नहीं पूछें कि भाई आज आपने क्या नाश्ता किया है। हाँ जी चलिए, ये एक अपना, हाँ जी पूछिए। सत श्री अकाल सर, थोड़ा बहुत बहुत स्वागत है साड़ी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के विच। और मेरा आपसे सवाल यह है कि कल इनॉग्रेशन के दौरान हमारे चांसलर सरदार सतनाम सिंह संधू जी ने कहा था कि चंडीगढ़ में भी एक फिल्म सिटी होनी चाहिए और उसके लिए जो भी योगदान की ज़रूरत होगी वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से ज़रूर करेगी, चाहे फिर वो किसी भी तरह की फाइनेंशियली मदद हो या फिर गवर्नमेंट को अप्रोच करना होए, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी करेगी। तो आप क्योंकि बॉलीवुड के नुमाइंदे हैं हमारे लिए, तो मेरा आपसे सवाल यह है कि बॉलीवुड चंडीगढ़ में फिल्म सिटी बनाने के लिए क्या योगदान दे सकता है? देखिए, सबसे पहली बात कि आपने मुझसे इंडिविजुअली सवाल किया है तो मैं आपको बता दूं कि पैसे मेरे पास है नहीं तो मैं दे नहीं सकता, ठीक है ना। दूसरा, आपने मुझे जो थोपा है कि मैं बॉलीवुड हूँ, अव्वल तो मुझे ये बॉलीवुड नाम ही पसंद नहीं है, ठीक है ना भाई, माफ करना, बॉलीवुड और पॉलीवुड और लॉलीवुड, क्या मतलब हमारा जहन इतना गरीब हो चुका है कि हम अपना नाम ठीक से नहीं ले सकते हैं, उसके लिए हमें एक स्ट्रक्चर बोरो करना पड़ता है, मतलब वेस्ट से। ऐसा नहीं है, हॉलीवुड एक है उसको रहने दीजिए ना यार, हम क्यों, मतलब हम फिल्म इंडस्ट्री हैं, पंजाब की फिल्म इंडस्ट्री हैं, गुजरात की फिल्म इंडस्ट्री हैं, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री है, पंजाब, ये है हमारा फिल्म इंडस्ट्री। और हम इतने डाइवर्स हैं कि हमारे इतने अलग नाम हैं, जो सच्चाई है वो है एक ही नहीं है, अंग्रेजी फिल्म इंडस्ट्री, बहुत फिल्म इंडस्ट्री है हमारे यहाँ, हमारे यहाँ इतनी भाषाएं हैं, इतने कल्चर हैं, हमारे यहाँ इतनी कहानियां हैं, इतने लोग हैं, तो फिर हम क्यों एक नाम से बंध के रह जाएं, ये मेरा मानना है। दूसरा, मैं क्या मदद कर सकता हूँ, मेरे बस में जो भी हो मैं करने को तैयार हूँ। लेकिन सबसे पहले तो ये कि ये सवाल किसी और ने पूछा था मुझसे और मैंने कहा कि ये मुझे हैरत हो रही कि अभी तक चंडीगढ़ में फिल्म इंडस्ट्री है कैसे नहीं। मैं तो मतलब मैं बलवंत गार्गी का नॉवल पढ़ता था जब मैं स्कूल में था और मुझे लगता था कि ये इतना इवॉल्व्ड आर्ट और एंटरटेनमेंट का जो गढ़ है, चंडीगढ़ भी है, अमृतसर भी है, मुझे नहीं ऐसा एहसास था कि यहाँ फिल्म इंडस्ट्री नहीं है। तो मेरे लिए आश्चर्य की बात है और मैं तो चाहता हूँ कि जितनी जल्दी बने उतना ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ कितना काम हो रहा है मैं आपको बता नहीं सकता। कई बार लोग आके मुझे पंजाबी फिल्म दे के चले जाते हैं बिना ये जाने कि मैं पंजाबी फ्लुएंटली नहीं बोलता हूँ, और उनको पता चलता है तो फिर वो स्क्रिप्ट वापस ले लेते हैं। मैं कहता हूँ स्क्रिप्ट छोड़ दीजिए, मैं याद कर लूँगा यार, मुझे काम तो मिले। तो नहीं, जोक्स अपार्ट, आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव एंड इट शुड बी डन एज सून एज पॉसिबल। यस, एब्सोल्युटली। नमस्कार, देखिए सुहासिनी जी, थैंक यू फॉर आस्किंग सच एन इंटेलिजेंट क्वेश्चन। ये जो है ना कि जो डिफरेंस है वो डिफरेंस मंच का है, वो डिफरेंस कैमरे का है। हम अगर उसको बदल के कि भाई मैं यहाँ पे गाने गा रहा हूँ तो दूसरी तरह से गाऊँ, और यही गाना मैं 5,000 लोगों के सामने गा रहा हूँ तो दूसरी तरह से गाऊँ, और सिर्फ इनको गाना सुना रहा हूँ रात को क्योंकि इनको चढ़ गई है और ये कह रहे हैं सुना दे गाना यार, तो वो अलग तरह से गाऊं, नहीं, मुझे गाना वही है, उसको मैं कितनी ईमानदारी से गाता हूं ये मेरे ऊपर है। तो मेरे काम में तब्दीली नहीं आई जस्ट बिकॉज द मीडियम इज डिफरेंट, बट यस द थिंग इज दैट द मीडियम इज डिफरेंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड एज एन एक्टर यू लर्न अनदर क्राफ्ट। कि जब आप स्टेज पे होते हैं तो आपको ये एहसास होता है कि वो भाई साहब जो सबसे पिछले वाली सीट पे बैठे हैं ना उधर, हाँ,
आपको मेरी आवाज आ रही है? ये मेरे लिए बहुत जरूरी है कि मेरी आवाज उन तक भी पहुंचे। अगर उन तक पहुंचेगी तो मुझे पता है इन तक भी पहुंचेगी। तो ये थिएटर की बात है, लेकिन जो टीवी का कैमरा है और जो फिल्म का कैमरा है वो पहले डिफरेंट हुआ करता था। तो टीवी के कैमरे की समझ ये होती थी कि टीवी देखने वाले लोग ड्राइंग रूम में बैठते थे, कोई इतने बड़े हॉल में बैठ के टीवी नहीं देखता। तो टीवी इज अ मीडियम ऑफ क्लोज अप्स, समझ रही हैं? तो आपको अपनी कहानी एकदम क्लोज अप में कहनी होती है। जो आजकल जो आप लोग रील्स बनाते हैं ना, दैट्स ऑल्सो मीडियम ऑफ क्लोज अप्स, कि आपकी जो मतलब इमोशंस हैं आप कितना इमोट कर सकते हैं सिर्फ एक आईब्राउ उठा के। वो टेलीविजन का कैमरा है, वो डिफिकल्ट भी ज़्यादा है। और फिल्म का कैमरा है कि वो थोड़ा सा आपको पता है कि 70 mm पर्दे पे आप दिखेंगे, तो आपकी फिजिकैलिटी थोड़ी सी चेंज होती। बट ये सारी चीज़ें वो इतनी गूढ़ चीज़ें हैं ना कि वो मीडियम में आके ही सीखता है आदमी, करते करते सीख जाते हैं लोग। और ये आखिरी सवाल अब जाता है आप पे। अरे तीन आखिरी सवाल हैं इधर, अच्छा उधर भी हैं। अच्छा जल्दी जल्दी पूछो भाई, बहुत लोग हैं। सर नमस्कार। और सर जैसे आज आपने बहुत अच्छा बोला, काफ़ी लोग इन्फ्लुएंस हुए होंगे, एंड मैं पूछना चाहता हूँ जैसे कि अभी जो नई जनरेशन है, हम जैसे जिसको एक्टिंग फील्ड में आना है, तो उसको किस तरह से मेहनत करनी चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अच्छा, तो ये तो पहले आपको डिसाइड करना है कि मतलब कौन सी एक्टिंग फील्ड में जाना चाहते हैं आप, क्योंकि आजकल जो रील्स बनती है ना उसमें भी एक्टिंग होती है। नो सर, एक्टिंग, सिर्फ एक्टिंग। नहीं नहीं, रील्स में भी एक्टिंग होती है, उसको आप मतलब नीचे की नजरों से मत देखो आप। हाँ जी सर, वो बहुत अच्छे एक्टर्स होते हैं वो, और वो एक्टर भी खुद ही होते हैं, एडिटर भी खुद होते हैं, डायरेक्टर भी खुद होते हैं, राइटर भी खुद होते हैं, मेकअप मैन भी खुद ही होते हैं वो। तो वो 15 सेकेंड के छोटे से फ्रेम में जो काम हो रहा है ना भाई साहब, मैं बता रहा हूँ, मतलब क्रिस्टोफर नोलन तक हिल गया अभी। बहुत ही कमाल का काम हो रहा है उधर, उसको समझने की ज़रूरत है। दूसरा, सबसे पहले तो आप पढ़ाई पूरी कर लो, क्योंकि मेरा ये मानना है कि आजकल के हमारे कलाकार को शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। यू नीड टू बी एजुकेटेड, यू नीड टू अंडरस्टैंड, यस थैंक यू, यू नीड टू अंडरस्टैंड हु यू आर, वेयर यू कम फ्रॉम, एंड वॉट आर योर रियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। आपकी जो समाज के प्रति जिम्मेदारियाँ हैं उसको समझ के आना चाहिए, एकदम से पर्दा गोल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? और तीसरा कि आप मेहनत करने के लिए अगर आप राजी हैं तो मेहनत कीजिए, आप थिएटर कीजिए, आप सीखिए। आप यहाँ पे तो चंडीगढ़ में थिएटर यूनिवर्सिटी भी है, थिएटर कोर्सेज भी हैं। तो यही है कि अगर आप डॉक्टरी पढ़ने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टरी की पढ़ाई करते हैं, इंजीनियर बनने के लिए इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं, तो एक्टर बनने के लिए एक्टिंग की पढ़ाई भी कर लो यार, इसमें क्या खराबी है जी? जल्दी तो कोई नहीं है ना आप पे, शादी तो नहीं होने वाली ना कि ये एक्टर बनूंगा तभी मेरी शादी होगी, नहीं तो नहीं होगी। अगर ऐसा होगा तो भैया कभी नहीं होगी। ये मैं कह रहा हूँ, उसको दूसरी चीज़ों से ना जोड़ें आप। थैंक यू सो मच, अब आप बैठ जाइए सर। हाँ जी बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। हाय पितांशी। सर गीतांशी। हाय गीतांशी। हेलो सर। सर मेरा सवाल है कि आपने इतने सारे किरदार निभाए हैं, तो ऐसा कोई किरदार जो आपको लगाओ कि किसी दूसरे अभिनेता का, कि आपको लगाओ कि ओहो ये तो मुझे करना चाहिए था, मैं ज़्यादा बेहतर कर लेता? यार मैं इतना डिससेटिस्फाइड एक्टर नहीं हूँ। अगर कोई दूसरा अच्छा काम कर रहा है, ये तो ये हो गया, अरे यार इनके ड्राइंग रूम में जो सोफ़ा है ना, ये मेरे ड्राइंग रूम में होना चाहिए। भाई उनके ड्राइंग रूम में सोफ़ा दे रहा है तो अच्छी बात है, आप जाके उनके ड्राइंग रूम में बैठ के चाय पी लो एक दिन, उसको अपने घर लाना जरूरी है क्या? तो कोई भी अच्छा काम मैं देखता हूं तो मुझे बहुत खुशी होती है। वो मैं बैठ के मतलब जेलसी में नहीं होता कि अरे यार ये काम तो मुझे करना चाहिए था, है ना, ये नहीं हो सकता है। आप अपना काम ही कर सकते हैं, दूसरे का काम छीनने की क्यों कोशिश कर रहे हैं आप? हितांशी ऐसा काम आप तो नहीं करती, दूसरे के नोट्स आप तो नहीं उड़ा लेती, दूसरे को दे देती हैं आप, वो भी गलत है। आपका नोट्स आपका है, आप उसको मतलब बांटा मत कीजिए, लोगों को मेहनत करने दीजिए, ठीक है ना, अपनी मेहनत खुद करें आप। थैंक यू गीतान जी, बैठ जाइए आप। थैंक यू। हाँ जी ये खड़ी हो चुकी हैं मैडम, वो भी खड़ी हो चुकी हैं,
आप लोगों में आप देखो यार, आप लोग डिसाइड कर लो, या तो सिक्के फेंक के लास्ट वाला लास्ट, शी इज वेरी जेनरस, आप कह रही हैं पहले वो पूछ लें, हाउ काइंड शी इज, थैंक हर फर्स्ट। ओके पूछिए, नमस्कार आपको भी। निर्जला बिना जल के, अरे यार ऐसा तो उपवास करते हैं एकादशी में, निर्जला एकादशी जो होती है वो पानी नहीं पीते उस दिन। कहिए निर्जला जी, बड़ी बड़ा पावन नाम है आपका। थैंक यू सर। सर मेरा सवाल ये है कि जो आपकी लुका छुपी मूवी थी, अरे यार ये सिर्फ बाजार वाले सवाल लेकर आ गए हैं। सर प्लीज पूछिए। सर उसका कंटेंट था कि आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहती है जी। अच्छी बात है सर, अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है सर, बट सर जवाब मिल गया आपको? नहीं सर, बट हमारे पास हाल ही में केस आए थे कि दिल्ली में वो लिव इन रिलेशनशिप। हर अच्छी बात को काटने के लिए 15 लोग खड़े होकर तैयार रहते हैं तो ऐसे केसेस भी बनते रहते हैं सर। मेरा ये मानना है कि आज की पीढ़ी बहुत समझदार पीढ़ी है, उसको अपना दायित्व तो पता है, उसको अगर उसको लगता है कि किसी के साथ रह के पता कर ले कि ये जिंदगी भर ये साथ काटने रहा है कि आदमी है कि नहीं, ये समझदारी की बात है जी, और ऐसा होना चाहिए। आई एंडोर्स इट सर। बट वो लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे, वो अपने गर्लफ्रेंड का मर्डर कर देता है ऐसा सब। अरे मर्डर करने वाला तो अपनी मम्मी का भी मर्डर कर देता है यार। थैंक यू वेरी मच। जो कातिल है, जो हत्यारा है, जो खूनी है, जो पागल है, वो तो अपने बच्चों का, अपने पेरेंट्स का भी मर्डर कर देता है, तो ये क्या बात हुई? वो लिव इन रिलेशनशिप की वजह से नहीं होता है, वो पागलपन की वजह से होता है। तो लिव इन करने से पहले देख लें कि वो बंदा पागल है कि नहीं, ये जानना जरूरी है। थैंक यू चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। अब ये आखिरी सवाल इनका, इसके बाद मैं सारे बड़े बूढ़ों के चरण छू के निकलना चाहूंगा क्योंकि मेरी फ्लाइट है। हाँ जी पूछिए। लगता है पूछने का इरादा त्याग दिया इन्होंने। नमस्कार सर, मेरा नाम आस्था है। सर मेरा आपसे ये क्वेश्चन था कि अगर आपके पास दोबारा एक मौका होता अपनी लाइफ रीलिव करने का, तो क्या आप एक्टर ही बनते? एग्जैक्टली लाइक दिस, मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी आता और आपके सवालों का जवाब देने का प्रयास जरूर करता। आई हैव नो रिग्रेट्स, थैंक यू सो मच फॉर बींग सो काइंड एंड लवली एंड थैंक यू वेरी मच। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। I'm feeling a lovely, wonderful energy from all of you, and I wish you all the best. Yes, thank you. And इससे पहले वेरी सर यहाँ से हमसे स्टेज मंच से नीचे जाएं, मैं राजेश शर्मा हमारे फेस्टिवल डायरेक्टर और डॉक्टर त्रिशु को बुलाना चाहूंगा। सबके लिए तालियां। वो हमको स्टेज पे ज्वाइन इन करके फुलकारी देके। आप जल्दी जल्दी ताली बजाएंगे तो मैं जल्दी निकल सकूंगा यहाँ से, फ्लाइट नहीं मिस होगी मेरी। मैं बस एक चीज कहना चाहता हूँ, जो मेरे नाना जी साहित्यकार हुआ करते थे, तो अरे एक और शॉल ये कल वाला शॉल तो नहीं है। थैंक यू सो मच। मैं यहाँ से दो दो शॉल लेके जा रहा हूँ। ये फुलकारी बहुत है, इसका जो एक्स्ट्रा लगे जाने वाला ना सर। मेरे नाना जी साहित्यकार हुआ करते थे, तो मैं जब अमेरिका जा रहा था तो मैंने अपने नाना जी से पूछा कि नाना जी आप क्या चाहते हैं, मैं क्या करूं, मैं क्या बनूं, मैं बहुत मतलब यंग था। तो मेरे नाना जी ने एक जो बात कही वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, बहुत बूढ़े थे, उन्होंने कहा कि देखो मैं बस यही कहना चाहूँगा, तुम जिस समाज में भी जा रहे हो वो हिंदुस्तान का समाज नहीं है, तुम भारत से हो ये मत भूलना कि तुम भारतीय हो, ये तुम्हारा सबसे बड़ा दायित्व है। दूसरा ये कि जिस समाज में भी आप रहें, अगर आप समाज बना नहीं सकते हैं तो उसको बिगाड़ने का अधिकार आपको नहीं है। ये और मुझे लगता है कि ये बात आज की पीढ़ी को पता है, इसीलिए मैं आपसे बहुत प्रभावित रहता हूं, आपसे बहुत मोहब्बत है मुझे। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दी अटेंशन एंड लव। थैंक यू वेरी मच सर, बाय बाय।